हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ एवं सेवा नायक भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ एवं सेवा नायक ने ऑफिशियल नोटिस नामावस जारी किया गया है भर्तियों के रिगार्डिंग, जो आपके यहाँ पर अपडेट्स है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या अपडेट है सारा कुछ आपको डिटेल में बता देते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले आइकन प्रेस कर लेना, इससे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा नायक की ऑफिशियल अपडेट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पत्रांक संख्या लिखा गया है। और ये जो है सेवा में मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं उसको यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि आप लोग देखते हैं। और टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी, जो कि यूके त्रिपल्सी की कई भर्ती परीक्षाएं करा चुकी हैं, लगभग 50 से ज़्यादा परीक्षाएं यहाँ पर यूके त्रिपल्सी की जो सचिव संतोष बोर्ड ने यहाँ पे कराए हैं। इनमें से दो परीक्षाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर जो है धांधली से संलग्न वर्तमान समय में है। एक तो आपका अधीक्षक की जो पोस्ट थी, दूसरा आपका बी डी ओ बी पी डी ओ भर्ती ये था। तो इन सभी भर्तियों को लेकर रिगार्डिंग यूके त्रिपल्सी ने एक नोटिस भेजा है, जिसमें यहाँ पर विषय रखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं संपन्न कराने में हुई अनियमितता के संबंध में कारण बताओ नोटिस। तो यहाँ पर जो है अनियमितताएं हुई हैं, इसको लेकर जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड में जाने वाली है। इस कंपनी को जो है यहाँ पर अब कोई भी आगे से शायद से पेपर नहीं करने का मौका दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा इसको। और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में जो है अवगत कराना है कि आपकी कंपनी जो कि RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न पदों हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा का संचालन किया गया है। और आयोग द्वारा यहाँ पर जो है आपके संस्थान के माध्यम से 4 व 5 दिसंबर 2021 को कराएगी परीक्षा, जो कि स्नातक स्तरीय परीक्षा थी। और उसके साथ साथ जो 26 सितंबर 2021 को आपकी आयोजित किया गया था, जिसकी सचिवालय रक्षक की पोस्ट थी, पेपर लीक किए जाने के संबंध में जो है स्पेशल टास्क फोर्स जो कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा यहाँ पर जो जाँच की गई है। और इस टास्क फोर्स जो यहाँ पर बनाई गई थी, इस पर द्वारा बताया गया है कि जांच में उपरोक्त तो परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के संबंध में जो है प्रथम दृष्टया जो है आपके संस्थान की संलिप्तता और जो परिलक्षित हुई है ऐसा बताया गया, जो कि एक गंभीर जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर अब इस कंपनी में गड़बड़ी का मामला हुआ है और कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। और उसके बाद से ये कंपनी जो है ब्लॉक लिस्ट में चली है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है जो परीक्षाएं हुई, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं मिली हैं और छवि यहाँ पर धुरी तो हुई है ऐसा कहा गया है। और यहाँ पर उक्त परीक्षाओं की संवेदनशीलता और यहाँ पर शुचिता ये बाधित हुई है ऐसा पर कहा गया है, जबकि संवेदनशील शुचिता को लेकर संतोष बुढ़ानी कहते थे कोई भी शुचिता बाधित नहीं हुई है। तो टास्क फोर्स ने यहाँ पर इसका खुलासा किया है और आयोग के जो नए सचिव हैं उन्होंने ये लिख के भेजा है, शुचिता बाधित हुई है। तो शुचिता बाधित होने का मतलब है पेपर रद्द हो सकता है, BDO BPDO और रक्षक की जो पोस्ट है, ठीक है, इनका पेपर रद्द होने की काफ़ी कगार में है। और यहाँ पर आपके इस कंपनी को ब्लॉक लिस्ट करने को लेकर जो है बात कही गई है और अपना जो है आंसर भेजने के लिए कहा गया है। यहाँ पर यूके TCCC की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है, जो कंपनी टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी RMS है, तो उसको यहाँ पर भेजा गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी।